चिंचू क्या? चुप कर, एक ही बोल्ट आधे घंटे से घुमा रहा है, वहाँ हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, हमें फ्लाइट पकड़नी, जल्दी कर। आप करते क्या है सर? शहनाई वादन करते हैं। ओहो, बैंड वाले हैं आप, समझा। सोना भैया। हाँ भैया। ये कौन है जो वादकों को बैंड बजाने वाला समझ रहा है? हम वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियंस हैं, पता है? जब तक मैं टायर बदल रहा हूँ थोड़ा आइटम दिखाओ ना। ओए, तेरी खुशी या मजे के लिए हम लोग नहीं बजाते हैं, हमारी शहनाई सुनने के लिए पीएम सीएम और बड़े बड़े लोग आते हैं। हमारे बिना अमेरिका में कोई खेल प्रोग्राम शुरू नहीं होता है। हमारे शो की एक टिकट भी खरीद नहीं सकते हो तुम। ये बिल्ले क्यों टंगे पता है? तो ना भाई। हाँ भैया। ये बिल्ले नहीं, उपहार है, उपहार। फ्री में नहीं सुनूंगा, 116 रुपए दूंगा। अरे बाप रे, 116 रुपए देगा? अरे ऊपर से बोनस भी ले लेना। बाप रे, बोनस भी देगा ये? और कुछ देर इसके साथ रुकेंगे तो बात बात पर शहनाई बजाने को कहेगा ये। चल किसी और से लिपट लेते हैं। हम तेरी तरह सेकंड क्लास नहीं है, हम बालकनी के हैं। तू जैसे हमारी शहनाई कभी नहीं बज सकती है। आप दोनों क्या करते हो? हम लोग शहनाई बजाते हैं। ओ, बैंड बाजा बजाते हो? सोना भैया। हाँ भैया। दुनिया में बैंड बाजे के अलावा कोई और आर्ट नहीं है क्या? और कोई बैंड बाजे वाला ही समझ रहा है हम लोगों को? यू नो, वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियंस। यस। मूड ठीक नहीं है, कुछ बजा दोगे? बाप रे, टायर बदलने वाला वो और मूड बदलने वाला ये, आखिर समझ क्या रखा है? हमें सेकंड क्लास के लोग पसंद नहीं है। किसी सामान्य इंसान के लिए हमारी शहनाई नहीं बजेगी। हम उतर रहे हैं। दीजिए, मैं एफएम ही लगा लेता हूँ। तो एसी भी थोड़ा बढ़ा दो भैया। पुलिस स्टेशन लेकर क्यों आए? हाँ। छोटा सा काम है। देखो, लेट होने पर हम मिनट का 100 रुपए काट लेंगे। मैंने सोचा कि मैं फ्री में लिफ्ट दे रहा हूँ, आप लोग पैसे दे रहे हो। ओके। तो ना भैया, गलती हो गई। भैया, OR4BA6187, इस कार नंबर की डिटेल्स बताओगे? हम हर किसी को नहीं बताते। पैसे दूंगा तब तो बता दोगे ना। चल भागे यहाँ से। पैसे देने पर भी काम नहीं हो रहा है, आपके नाम से कुछ हो सकता है क्या? तुम्हारे जैसे लोगों के लिए हम अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। तुम परेशान हो रहे हो इसलिए एक सलाह दे रहा हूँ, किसी पहचान के पुलिस वाले को बुला लो। SI रेंज का तो चलेगा ना? सीधे SI की बात कर रहा है, जैसे डिक्की में रखा होगा। एक मिनट। अरे तुम कार ड्राइवर हो या जादूगर हो, बातों बातों में इसे फंसा लिया। इस आदमी से अब हम लोगों को बच के रहना पड़ेगा। मैडम, हमारा इस किडनैपिंग में कोई हाथ नहीं है, हम वर्ल्ड फेमस संगीतकार हैं। तो ना भैया। भैया, नाम जितना बड़ा होगा क्राइम भी उतना ही बड़ा होगा। अंदर रखो। आप लोग परेशान मत होइए, ये लड़की मेरे पहचान की है। पेन ड्राइव देने के बहाने किडनैप करके लेकर आया? पेन ड्राइव क्यों नहीं देते? एक बार मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हें पेन ड्राइव दे दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस, लेकिन तुम भी फाइट या फायरिंग नहीं करोगी, ये प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। आप जल्दी काम कीजिए, हमें जाने का है। भैया। हाँ सोना भैया। मुझे लगता है हमें दूसरी गाड़ी देख लेनी चाहिए। गाड़ी रेडी है सर। कहाँ पर? आपके पीछे। ये हम कहाँ आ गए हैं? एक शव यात्रा है सर, उसमें शहनाई बजाएंगे तो 3000 मिलेंगे, 1500 आपके, 1500 मेरे, ठीक है ना? सोना भैया। हाँ भैया, किसी की मौत पर शहनाई बजाने को कह रहा है, क्या करूँ? इससे अच्छा हुआ कि हम उसी के साथ चले जाए। भैया देखो, रो मत, दो तुम लेना एक मुझे देना। ए भगवान। श्रीदेवी फ्रॉम हैदराबाद, मुझे इस आदमी की डिटेल चाहिए। इसका नाम बिस्वाल है, सिमलीपुर के ढाबे में मिलेगा, ये बहुत खतरनाक है। मैं देख लूंगा सर। अरे किरबिल पांडे, दो बन दे दो जरा। पैसे रहने दो, बन लेकर एक बार शहनाई बजा दो, पीने वाले एंजॉय कर लेंगे। तो ना भैया। सॉरी भैया, तुम दारूबाज हो, हम संगीतकार हैं। सामान्य इंसान के लिए हमारी शहनाई नहीं बजेगी, नहीं बजेगी। बिस्वाल, 1 तारीख को दोपहर 1 बजे एक बच्चे को किडनैप करके ले गए थे, वो बच्चा कहाँ है? तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? ये मेरा एरिया है, चला जा।
कहाँ है? नहीं बताऊंगा। बता बच्चा कहाँ है? नहीं बताऊंगा। बता कहाँ है बच्चा? बच्चा कहाँ है? इस दर्द से अच्छा है कि तू जवाब दे दे। बोल कहाँ है? बोल। बताता हूँ मुझे भीकू के पास पट्टाक ने भेजा था। वो दोनों एक ही गांव के हैं। बच्चा कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन पटना ही जानता है। वो पटना है कहाँ मिलेगा? यहाँ से 20 किलोमीटर दूर घाटी गांव में। तुम मुझे बताओ बच्चे को किसने किडनैप किया? वो सारी डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगा। भाई जी अंदर तुम्हारा टैलेंट देखने के बाद मुझे बहुत तेज की लग गई है। तुम्हें भी लगी है? 2 लीटर तक लगी होगी भैया। भाई जी आगे आप जाइए, हम जाकर हल्के होने के बाद आएंगे। ओके निकलो सोना भैया। इस महामारी में तो बजा दिए लेकिन आगे किसी के लिए नहीं बजा पाएंगे। सोना भैया। हाँ भैया। ये पाइप उसने गलत जगह डाल रखा है। रहने दो भाई, उसने जहाँ रखा है उससे हमें क्या। अरे सुनो भाई, हाईवे का रास्ता बता सकते हो? डोंट डिस्टर्ब, आगे यहाँ से। भाई साहब हाईवे किधर से जाना होगा? अरे भाई साहब तुम इस तरफ कहाँ से आ गए? हाँ क्या कहा? ढाबा पर अपने विश्वाल भाई को है? बैंड वाले भी थे क्या? ए बैंड बाजे वाला कौन बोल रहा है? हम संगीत के उस्ताद हैं, वर्ल्ड फेमस है, पता है? आज तो तुम लोग गए काम से। अरे भागो, मैं हमारी शहनाई बजा देगा। रुक जा। अरे रुकिए, हम वर्ल्ड फेमस संगीतकार हैं। क्या हुआ, फिर से क्यों आ गए? तुमने मारा था ना उन मोटे मोटे गुंडों को, उनके भी कम फॉलोवर नहीं है भाई। इस एरिया को क्रॉस करने तक साथ ही रहेंगे। तो ना भैया। हाँ भैया। आगे कहाँ बजाना है पूछो। तुम्हारी कुंडली में मृत्यु दोष है, इस घर के परिसर में ही तुम्हारी मौत घूम रही है। इस मृत्युंजय हवन के पूर्ण होते ही मृत्यु को घर के चौखट से अंदर नहीं आने देगी। हवन पे आए हो? मरण हवन पर आए हैं। नमस्ते पटनायक जी, मेरा नाम बालू है, फ्रॉम हैदराबाद। 1 तारीख को दोपहर 1 बजे भीकू नाम के तुम्हारे फ्रेंड ने एक बच्चे को किडनैप किया था। वो बच्चा कहाँ है? अबे हट, तुमने हमें इंक्वायरी काउंटर समझ रखा है का? अरे देखते नहीं शांति के लिए इतना बड़ा हवन हो रहा है, तुमको बच्चा की लगी है? वैसे वो बच्चा कहाँ है हम जानता हूँ, लेकिन बताऊंगा नहीं, हम तब बोलेंगे ही नहीं। चल हट यहाँ से। ए बाहर निकल। ऑन करो। ए पटनायक, ये बच्चा तो कुछ नहीं बता रहा है, तुम्हारी नजर में कोई दिमाग का डॉक्टर है तो भेजो। इस मृत्यु को डाइवर्ट करो यजमान। हमरा पास एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, अब आइए भेजता हूँ।